भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के गया में पोलिंग बूथ पर कमल निशान वाला मास्क पहनकर पहुंचने को लेकर विवाद हो गया है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप पर निर्वाचन विभाग ने गया के डीएम को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। 7 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बना चुके डॉक्टर प्रेम कुमार गया टाउन सीट से इस बार भी बीजेपी के उम्मीदवार है। वोट डालने के लिए साइकिल से बूथ पहुंचे प्रेम कुमार ने कहा कि वह पर्यावरण संरक्षण को लेकर सचेत हैं। चाहते हैं कि लोग वाहनों का कम से कम प्रयोग करें ताकि प्रदूषण कम से कम हो। उन्होंने कहा कि यही संदेश देने के लिए मैं साइकिल पर मतदान करने गया। प्रेम कुमार ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, हर मतदाता को अपने इस मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वह पूरे परिवार के साथ वोट डालने आए हैं। इसी तरह सबसे अपील कर रहे हैं कि हर कोई मतदाता बन चुके परिवार के एक एक सदस्य के साथ बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।